वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से जो चैप्टर नंबर 2 है द एड्रेस, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई हो, सेड द वुमन। अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो नरेटर है वो अपनी मम्मी का सामान लेने आती है, तो जो औरत है वो पूरा दरवाजा नहीं खोलती और वो उसे उससे कहती है, क्या तुम वापस आ गई हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, और मुझे लगा कोई वापस नहीं आएगा। डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन ये है, डज दिस स्टेटमेंट हैव यू कम बैक, क्या ये तुम्हें कुछ क्लू देता है स्टोरी के बारे में। इफ यस, अगर देता है तो वो क्या है। तो अब हमें इसका आंसर करना। तो देखो क्वेश्चन था, डज दिस स्टेटमेंट गिव, तो यस यस हाँ, दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी। पूरा क्वेश्चन में से ही हमने आंसर बनाया है, ठीक है। व्हेन वॉर स्टार्टेड, जब वॉर शुरू हुआ था, नरेटर की जो मदर थी जिसका नाम है चैप्टर के अंदर मिसेज एस, ठीक है, हैड शिफ्टेड हर लॉट्स ऑफ वैल्यूबल थिंग्स। उसने अपनी बहुत सारी कीमती चीजें जैसे सिल्वर यूटेंसिल मतलब चांदी के बर्तन, एंटीक प्लेट्स, कैंडल रखने वाला कैंडल होल्डर, वूलन टेबल क्लॉथ, टेबल के ऊपर हम कपड़ा डाल देते हैं ना वो, ग्रीन कार्डिगन, और बहुत सारी चीजें कहाँ रखवा दी थी, एट मिसेस डॉर्लिंग्स होम। क्वेश्चन दोबारा समझो, जो नरेटर की मम्मी है वॉर के टाइम पे वो काफी डरी हुई थी, उन्हें वहां से छोड़ के जाना पड़ सकता था, तो उसने सोचा चलो यार अपना सामान अपने किसी जानकार के घर में रखवा देते हैं, जब स्थिति सही होगी तब हम वापस ले लेंगे। मिसेस एस यानी कि जो नरेटर की मदर है डाइड ड्यूरिंग द वॉर, वो वॉर के टाइम पे मर गई, डाइड, ठीक है। सो मिसेस डॉर्लिंग थॉट दैट नाउ ऑल दैट कॉस्टली थिंग्स, सॉरी कॉस्टली थिंग्स लिख लेना या कॉस्टली आइटम्स, या बिलोंग टू हर। तो अब डॉर्लिंग को क्या लगा जिसके घर पे वो सामान रखा था, कि भैया अगली तो मर गई, अब ये जो सामान है अब तो मेरा हो गया, एंड नो वन वुड एवर कम बैक टू टेक इट बैक, अब कौन इसे लेने आ रहा है, चलो बढ़िया ही हो गया अपने लिए तो, है ना, वो ऐसा सोच रही है। दिस स्टेटमेंट शोज दैट मिसेस डॉर्लिंग वॉज अ ग्रीडी वुमन। अब यार भाई अगर वो सच्ची होती तो सच्चा और सच्चे इंसान का काम तो ये है कि उसकी जो बेटी है वो तो जिंदा है ना, उससे उसका सामान वापस दे देना चाहिए, कि भैया ये तुम्हारी मम्मी ने दिया था हमें वॉर के टाइम पे, तुम्हारी मम्मी तो रही नहीं, अपना सामान वापस लो। लेकिन वो ये सोच रही है डॉर्लिंग कि भैया अब कोई भी वापस लेने नहीं आएगा। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है, वो बहुत ग्रीडी लालची है, कंजूस है। शी डिड नॉट ओपन द डोर व्हेन नरेटर केम एंड केम, जब नरेटर वहां पे मिलने आई, जब उसे लगा कि भैया अपनी मम्मी का सामान देखने चलते हैं, तो उसने दरवाजा भी नहीं खोला। शी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर, और उसने उसे पहचानने से भी मना कर दिया। द नरेटर हैड गॉन टू दिस एड्रेस जस्ट टू सी हर मदर्स बिलोंगिंग, और नरेटर कोई वो सामान लेने नहीं गई थी, नरेटर तो बस वो देखने गई थी कि वो जो सामान है जो मेरी मम्मी का है वो ठीक है, एक बार चलो देख के आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, मिसेस डॉर्लिंग का कैरेक्टर पता चलता है, वो कैसी थी, ग्रीडी थी, मनी माइंडेड थी, और वो नहीं चाहती थी कि वो सामान वो अब वापस करे। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, जो हमारा टेलीग्राम लिंक है इंग्लिश बाबा 1 2 3 वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर। अब देखो ये जो स्टोरी है दो पार्ट में डिवाइडेड है। प्री वॉर का मतलब वॉर अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन जो स्थिति थी वो सही नहीं चल रही थी, ठीक है, वॉर शुरू होने से पहले की स्थिति जो कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी। और पोस्ट वॉर टाइम्स, व्हाट हार्डशिप डू यू थिंक द गर्ल, यहाँ पे गर्ल कौन है, नरेटर, अंडरवेंट ड्यूरिंग दीज टाइम्स। तो प्री वॉर के टाइम पे लड़की को क्या दिक्कत हो रही थी और पोस्ट वॉर के। देखो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। चिल्ड्रन जब आप 9th क्लास में थे तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा हिस्ट्री में, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। अब यार मैं इंग्लिश में हिस्ट्री की बात क्यों कर रहा हूँ, तो जो हिटलर था वो ये सोचता था, उसका और उसका जो संगठन था, जो नाजीज लोग थे, उनका ये मानना था कि हम दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं, मतलब आर्यन पीपल। तो वो सोचता था कि और जो रेसेस हैं और जो दूसरे तरह के लोग हैं उन सबको मार देना चाहिए, ठीक है, केवल हमें जिंदा रहना चाहिए, हम जो गोरे लोग हैं, हमारी आंखें
जिनकी ब्लू ब्लू सी आईज हैं बस। तो ये जो हिटलर और उसका जो एक ऑर्गेनाइजेशन थे, जो नाजीज लोग थे, सब लोगों को मार रहे थे। तो ये जो चैप्टर है एक्चुअली उसी बात के लिए बता रहा है, वो जो वॉर है ना, तो जो नरेटर है और जो उसकी मदर है वो नाजी लोग नहीं है, तो क्यों, और जो दूसरे लोग हैं उन्हें वो मार रहे हैं, तो उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि भैया हमें मार दिया जाएगा। तो ये बस मैंने आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है। तो क्वेश्चन था प्री वॉर के टाइम और पोस्ट वॉर के टाइम पे क्या डिफिकल्टीज उस लड़की को नरेटर क्यों हो रही थी। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग डालेंगे प्री वॉर टाइम, ठीक है, वॉर से पहले जब कंडीशन थोड़ी खराब हो गई थी उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी। ड्यूरिंग द प्री वॉर टाइम्स द नरेटर वॉज नॉट लिविंग विद हर मदर, वो अपनी मम्मी के साथ नहीं रह रही थी, शी वॉज लिविंग इन अदर सिटी, वो लड़की किसी दूसरी सिटी में रह रही थी। आपने देखा होगा कि माँ बाप को अगर ऐसा लगता है कि बच्चा सेफ नहीं है, या जब कोरोना वाला टाइम आया था तो माँ बाप को लगा यार बच्चा यहाँ पे सेफ नहीं है, सिटी के अंदर बहुत ज्यादा कोरोना, चलो इसे नानी के यहाँ भेज देते हैं, गाँव में सेफ रहेगा। तो ऐसे ही प्री वॉर टाइम में जब कंडीशन काफी अच्छी नहीं थी तो उस लड़की को कहीं और भेजा गया था। शी वॉज लिविंग इन अदर सिटी, शी केम हर होम जस्ट फॉर फ्यू डेज, वो लड़की अपने घर आई हुई थी कुछ दिनों के लिए। एट दैट टाइम शी नोटिस दैट हर मदर वॉज ऑलवेज अफ्रेड, और जब वो लड़की यानी कि जो नरेटर है जब अपने घर आई कुछ दिनों के लिए तो उसने क्या देखा, मेरी मम्मी हमेशा डरी डरी रहती है, दैट दे माइट हैव टू लीव द प्लेस एंड लूज ऑल वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स, कि उन्हें कभी भी वो जगह छोड़ के जाना पड़ सकता है और जो उनकी वैल्यूएबल जो महंगी महंगी चीजें हैं वो यहीं की यहीं रह जाएंगी। द थ्रेट ऑफ डेथ वॉज ऑलवेज प्रिवेलिंग, और कहीं ना कहीं मौत का खतरा हमेशा बना रहता था। अब ये मौत का खतरा क्या है, अभी अभी मैंने आपको जब ये दिखाया नाजीज एंड द राइज ऑफ हिटलर, तो ये लोग और इसके संगठन के लोग जो दूसरे लोग थे उन्हें मार रहे थे। तो ये तो था प्री वॉर के टाइम पे क्या क्या खतरे थे। अब पोस्ट वॉर के टाइम पे क्या प्रॉब्लम आई, आफ्टर द वॉर एंडेड, जब वॉर वॉर खत्म हो गया फाइनली, हिटलर ने सुसाइड कर ली थी अगर आपको पता हो, तो जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल अगेन, बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया, नाउ देयर वॉज नो थ्रेट टू ऑफ डेथ, अब कोई इस तरह का डर तो नहीं था कि यार मौत वगैरह कोई मार देगा, ये हो जाएगा, या नाजीज लोग, ठीक है। शी कुड लिव हर लाइफ पीसफुली, यहाँ पर शी लगाया है मैंने नरेटर के लिए, अब वो अपनी लाइफ पीसफुली जी सकती थी। वन डे शी वॉज ईगर टू सी ऑल द पजेशंस ऑफ हर मदर, एक दिन उसका मन करता है यार मेरी मम्मी ने वॉर के टाइम पे भाई मुझे एक जगह बताई थी जहां मेरी मम्मी ने अपना सामान रखवाया था, विच शी न्यू वर स्टोर्ड एट नंबर 46, जो उसको पता था कि जो सामान है वो कहाँ स्टोर करवाया था, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ये एड्रेस है। शी वेंट टू द एड्रेस, वो वहां पे एड्रेस पे गई, शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो बहुत ज्यादा निराश हुई, व्हेन मिसेस डॉर्लिंग नीदर रिकॉग्नाइज हर, ना तो उसने पहचाना, उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया, नोर लेट हर इन, अरे भाई साहब हमारे दरवाजे पर कोई आता है तो हम भी उसे कहते हैं भाई साहब आ जाओ पानी वगैरह पी लो, और ना ही मिसेस डॉर्लिंग ने उसे अंदर बुलाया और पहचानने से भी इनकार कर दिया। तो अगर आप एग्जाम में इस तरह से आंसर लिखोगे प्री वॉर टाइम और पोस्ट वॉर टाइम, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को यार लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did the narrator of the story want to forget the address? जो narrator है, यानी कि वो जो लड़की है, वो उस address को number 46 Marconi Street क्यों भूलना चाहती है? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक images दिखाई है, क्योंकि उसकी जो माँ है, जिसका वो सामान था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। During war वो मर गई थी। तो कहीं ना कहीं अगर कोई पर्सन चला गया है इस दुनिया में नहीं है, जब भी हम उनकी चीजों को देखते हैं तो हमें बार बार फिर उनकी याद आती है, दुख होता है। तो इन्हीं सब वजहों से वो चाहती है कि अब वो उस एड्रेस को भूल जाए। अब इस आंसर को कैसे लिखेंगे कि हमें पूरे मार्क्स मिले एग्जाम में। द नरेटर रिमेंबर्ड द एड्रेस विच हर मदर टोल्ड हर, नरेटर को वो एड्रेस याद था जो उसकी मदर ने उसे बताया था। व्हेन शी केम टू स्टे विद हर मदर, जब वो अपनी मम्मी के साथ रहने आई थी कुछ दिनों के लिए, तो उसकी मम्मी ने उसे बताया था बेटा ऐसे ऐसे, द एड्रेस वॉज नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, एड्रेस क्या था, 46 नंबर था मार्कोनी स्ट्रीट में। इट वॉज द एड्रेस ऑफ द लेडी टू हुम नरेटर मदर हैड गिवन हर वैल्यूएबल थिंग्स ड्यूरिंग वॉर, और ये एड्रेस किसका था, उस लेडी का था जिस लेडी को नरेटर की मम्मी ने, और नरेटर की मम्मी कौन है, मिसेस एस, और वो कौन है जो 46 में रहती है, मिसेस डॉर्लिंग, याद रखना।
अपना जरूरी कीमती सामान दिया था। After narrator's mother death, the narrator felt like seeing the stuff belong to her mother. जब उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई, उसके काफी टाइम बाद उसका मन किया कि चलो यार अपना सामान देख तो आएं कैसा है। She went to the given address twice. उसे दो बार जाना पड़ा उस एड्रेस पे। क्यों? क्योंकि पहली बार में तो भाई साहब दरवाजा ही नहीं खोला, पहचानने से इनकार कर दिया। She was successful in her second attempt to enter the living room. लेकिन जब वो दूसरी बार गई, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो दूसरी बार उसकी बेटी मिली थी जिसने उसका वेलकम किया और उसे अंदर वो फाइनली गई। अब क्या हुआ जब वो अंदर पहुंचती है? As soon as she saw the things, those belong to her mother, old memories were back. भाई जैसे ही उसने वो पुरानी चीजें देखी, उसकी जो पुरानी यादें थी वो वापस आ गई। Everything was arranged poorly. लेकिन उसे ये देख के बड़ा बुरा लगा कि जो सामान उनके घर में बड़े अच्छे से लगा रहता था वो बड़ी पुअरली खराब तरीके से अरेंज किया हुआ था। Now all this stuff had lost its value because they were no longer with her mother. लेकिन अब इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं थी क्योंकि अब ये चीजें किसी और के पास थी। अब उसकी और कुछ ये है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। She no longer wanted to see, touch or remember these belongings. ना तो वो उन चीजों को अब दोबारा देखना चाहती, ना टच करना चाहती, ना सोचना चाहती। She resolved to forget the address. उसने कसम खाई कि भाई ये समझ लो कि अब मैं ये एड्रेस भूल गई हूँ, मैं आऊंगी नहीं। She wanted to leave the past behind and decided to move on. वो अब बस ये चाहती थी कि वो पास्ट पूरी तरह से भूल जाए और आगे बढ़े लाइफ में। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है क्योंकि उसकी मदर तो थी नहीं अब इस दुनिया में, अगर वो उस सामान को चलो ले भी जाती लड़ झगड़ के तो अभी कोई फायदा नहीं था। बार बार वो उन चीजों को देखती और उसे उसकी मदर की याद आती, मतलब दुख होता उसे बार बार। तो अल्टीमेटली वो ये डिसाइड करती अब यार बाहर में जाए, अब मैं ये सारी चीजें नहीं देखूंगी, ना ही मैं यहाँ पे आऊंगी। लास्ट क्वेश्चन है, The address is a story of human predicament. यहाँ पे predicament का मतलब है human suffering, human का दर्द, that follows war, जो war की वजह से होता है, लड़ाई की वजह से होता है। इस पे आपको एक note लिखना है, comment करना है। तो इस answer को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक image दिखाता हूँ। जो मैं आपको image दिखा रहा हूँ ये केवल आपको समझाने के लिए, आपको exam में कुछ नहीं करना, आपको exam में तो direct answer लिखना है। मुझे आपसे ये question पूछना है, जो war होता है, जो लड़ाई झगड़ा होता है, क्या उससे आज तक किसी का फायदा हुआ है? या तो इस पार्टी के लोग मरेंगे या उस पार्टी के लोग मरेंगे। और वॉर के बाद बहुत सारे लोग जैसे आपको इमेजेस में दिख रहा है अपनी जान से हाथ बैठेंगे। जो लोग मरेंगे वो तो मरेंगे ही मरेंगे, इनकी वाइफ, इनके बच्चे वो भी सफर करेंगे। तो क्वेश्चन ये ही पूछ रहा है कि वॉर से जो नुकसान होते हैं ह्यूमंस को, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उस पर कॉमेंट करना है। तो देखिए, The war creates many difficult and unpleasant situation for human beings. जो war है, बहुत सारी कठिनाइयाँ और unpleasant situation दे देता है human beings को. Sometimes it becomes difficult to know what to do. और कभी-कभी तो ये भी जानना मुश्किल हो जाता है कि क्या करें. सही बात है. The human suffering because of war is illustrated through the experience of the narrator. यहाँ पे इस story के अंदर, the address में, नरेटर के थ्रू हमें एक एक्सपीरियंस दिखाया गया। अब बताओ उस बिचारी बच्ची का कोई कसूर है जो नरेटर है? उसकी माँ मर जाती है, उसकी माँ ने सामान वहां पे दिया हुआ था, उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये सब हुआ किसकी वजह से? वॉर की वजह से। द वॉर हैड कॉज्ड मेनी फिजिकल डिफिकल्टीज एज वेल एज इमोशनल सफरिंग। अब देखो फिजिकल डिफिकल्टीज क्या होती है, मान के चलो आपने देखा होगा जो लोग वॉर में जाते हैं, किसी का हाथ कट जाता है, किसी की आंख फूट जाती है, किसी का कुछ होता है, तो ये तो गया फिजिकल। इमोशनल क्या होता है भाई? अब उस लड़की की, लड़की तो वो जिंदा थी जो नरेटर है, लेकिन इमोशनली तो वो टूट गई ना, माँ नहीं है, वो जो स्टफ है वो भी चला गया है ना। शी हैड लॉस्ट हर डियर मदर, वो अपनी माँ को खो चुकी थी। शी वेंट टू 46 मार्कोनी स्ट्रीट पे, जब वो गई टू सी हर मदर्स वैल्यूएबल थिंग्स, अपनी मम्मी की वैल्यूएबल चीजों को देख के, ठीक है। हाउ ग्रीडी एंड चीप ह्यूमन बींग्स कैन बिकम इज शोन बाय द बिहेवियर ऑफ मिसेस डॉर्लिंग। अब यहाँ पे इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि एक इंसान कितना ग्रीडी, कितना चीप, कितना गिर सकता है, ये दिखाया गया है हमें मिसेस डॉर्लिंग के कैरेक्टर से। शी हैड स्टोर्ड ऑल द वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स ऑफ द नरेटर्स मदर, उसने नरेटर की मम्मी की सारी चीजें रख रखी थी। बट शी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द नरेटर, लेकिन उसने रिफ्यूज करने मना कर दिया कि मैं नहीं पहचानती तुम्हें। शी डिड नॉट इवन लेट हर इन, यहां तक कि उसने उसे अंदर भी आने नहीं दिया। The presence of her mother's possessions in a strange atmosphere pained her. अब देखो कितनी बार उस लड़की को दुख हो रहा है,
जब उसने अपनी मम्मी का वो सामान देखा जब वो दूसरी बार वहां गई, उसे बड़ा दुख हुआ। नाउ दीज वैल्यूएबल्स हैड लॉस्ट ऑल देयर इंपॉर्टेंस, लेकिन अब इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, एज दे हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, क्योंकि अब वो उस उनके साथ नहीं है, उसकी मम्मी के साथ नहीं है अब वो चीजें, क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया में है ही नहीं। शी कुड गेट नो सोलेस और कम्फर्ट फ्रॉम देम, अब सोलेस का मतलब होता है तसल्ली, है ना, अब उसे उन सामान से कोई मतलब नहीं है, कोई कम्फर्ट उसे उससे कुछ नहीं है। तो फाइनली वो यही डिसाइड कर लेती है कि अब यहां से चला जाए, इस एड्रेस को भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था चिल्ड्रन, क्वेश्चन क्या है, वॉर से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो देखा, एक लड़की जो अच्छा खासा पढ़ाई कर रही होती, उसकी लाइफ इतनी अच्छी होती, उसकी माँ भी जिंदा होती, लेकिन माँ भी मर गई बेचारी, सामान भी चला गया, अकेली भी हो गई, तो वॉर से पहले उसे प्रॉब्लम हुई, वॉर के बाद उसे प्रॉब्लम हुई। चिल्ड्रन, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कॉमेंट सेक्शन में। मिसेस डॉर्लिंग्स एड्रेस वॉज नंबर डैश मार्कोनी स्ट्रीट, क्या था वो नंबर, 46, 47, 48 या 49। आई होप मेरी ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो, मैंने बहुत मेहनत की है ये वीडियो बनाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।